जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। अगर मैं आपसे कहूं कि आप डीजल इंजन का युग समाप्त होने वाला है तो ये कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि धीरे धीरे डीजल इंजन की कहानी जो है अब खत्म होने वाली है। और जिस हिसाब से हमारी रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, उस हिसाब से आने वाले 2 या 3 सालों में ही डीजल इंजन बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। हाँ, संटिंग वंटिंग के काम के लिए ये आपको दिखते रहेंगे, हाँ, पर मेन लाइन ऑपरेशन में इनकी ड्यूटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि रेलवेज के क्लीन एंड ग्रीन मुहित के तहत करीब 3000 डीजल लोकोमोटिव आने वाले कुछ सालों में हमारी पटरियों से अलग हो जाएंगे। वैसे भी कुछ एल्को लोकोमोटिव इतने पुराने हो चुके थे कि वो हमारे रेलवे ऑफ सर्विस से वैसे भी रिटायर होने वाले थे। और आपको पता ही होगा कि अब हमारे देश में डीजल इंजन का प्रोटेक्शन नहीं होता है और अब नए डीजल लोकोमोटिव्स नहीं बनते हैं। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे रूट हैं जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी तक नहीं हुआ। खैर, कोलकाता रेलवे में भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत तेजी से हुआ है और वहां पर भी अगले साल तक सिर्फ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स देखने को मिलेंगे। और अगर आंकड़ों को देखा जाए तो 63,631 किलोमीटर के कुल ट्रैक की लंबाई में 40,000 किलोमीटर के लंबाई में पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं और 2023 तक पूरे रूट को इलेक्ट्रिफाइड करने का लक्ष्य है। एक बात तो तय है कि जो हमारे एल्को लोकोमोटिव्स हैं उनके दिन तब लगभग पूरे हो चुके हैं। और बात करूं मैं EMD की, हाँ, ये टेक्नोलॉजी नई जरूर है, पर जब पूरा रूट इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा तब ये किस काम आएंगे। हाँ, नए WDG 4G और 6G को अभी भी बनाया जा रहा है, ये अभी भी लॉन्ग टर्म में सेवाएं देते रहेंगे और इनकी भागीदारी भी सीमित ही होंगी। हाँ, पर एक बात है, जो डीजल इंजन का दबदबा है वो सालों तक रहा है और कई प्रीमियम ट्रेन्स का रेगुलर लिंक रह चुके हैं, चाहे वो राजधानी ट्रेन हो या फिर शताब्दी ट्रेन। तो जब डीजल इंजन ट्रैक पर नहीं चलाया जाएगा तो इनके साथ क्या होगा। देखिए, जहाँ तक तो इनका यूज़ अभी भी पॉसिबल हो रहा है, हमारी रेलवेज कर रही है, लेकिन जो है ये धीरे धीरे संटिंग ड्यूटीज और एक लिमिटेड जगह पर ही दिखाई देंगे और अपनी सर्विस देंगे। और किसी आपदा में जब इलेक्ट्रिक पोल्स को नुकसान पहुंच गया होगा तब इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, और कुछ ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, पर वो बात सही है कि इनके ना होने से प्रदूषण कम होगा, पॉल्यूशन जीरो होगा, ग्रीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ेंगे। हाँ, पर एक बात तो है, जी हाँ, इस आवाज़ को हम बहुत मिस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो पर एक लाइक कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बाजू बेल आइकन को भी ऑन में कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में, इंस्टा आईडी है द इंडियन रेल 200 फैन।